हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। अभी अभी जस्ट हम आए हैं पूल से, और पूल के बाद बाल जो है ना एकदम अजीब से हो गए थे, रफ हो गए थे, कड़े कड़े, तो मैंने बस शैम्पू किया है अभी। जब भी आप कहीं घूमने जाओ, स्पेशली अगर बीच या फिर पूल में आप घूमने जा रहे हो ना, कोई भी पूल वाले रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो, तो एक तो सनस्क्रीन और दूसरा हेयर कंडीशनर, ये दो चीज़ तो ज़रूर कैरी करें, एकदम मस्ट है, वरना आपके बालों की और आपके स्किन की एकदम बैंड बजने वाली है। तो चलो, मैंने तो अपने बालों का और स्किन का केयर कर लिया है, अब भूख लगी और हम जाते हैं लंच के लिए। ड्रेस पहनी है और पारिक जी ऑलरेडी रेस्टोरेंट में जा चुके हैं ऑर्डर करने के लिए, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। चलो चलो, अरे खाना खाने चलो, बहुत भूख लग रही है। हम जा रहे हैं खाना खाने लंच के लिए। People here to have food. No Everyone one. Everyone has had their food and they went away. So we are only left. Okay. हम लोग late हैं. 10 बजे बंद होता है restaurant. 3:15 बज रहा है. तुम्हारा खाना खाते खाते शाम नाश्ते के time हो जाएगी. ठीक है, तो फिर order कर दियो क्या? Order कर दिए. लाला के लिए? वो देखो वही भूल गया. यार क्या है आपको, हम बार बार बोले लाला का fruit plate एक तो order करो. Fruit होगा क्या? Fruits? क्योंकि हम आज बहुत ही लेट थे, तो इसलिए लाला के लिए हमें फ्रूट नहीं मिला, बट हाँ लकीली हमें गुलाब जामुन मिल गए। तो मैंने सबसे पहले लाला को गुलाब जामुन का भोग लगाया है, क्योंकि लाला भी बहुत थक गया था और उन्हें भी भूख लगी होगी ना, इसीलिए लाला को सबसे पहले गुलाब जामुन का भोग लगाया और उसके बाद हमने खाना स्टार्ट किया है। और हमने बहुत ही सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था, जिसमें था चावल, दाल, आलू की सूखी सूखी सब्ज़ी जिसे आलू झुरझुरे भाजा कहते हैं यहाँ पर, और पोस्तो पटल यानी कि पोस्तल और परवल की सब्ज़ी। अभी है इवनिंग का टाइम, खाना खा के एक्चुअली मैं सो गई थी, पारी जी भी सो रहे हैं और बच्चों का तो कुछ अता पता ही नहीं है, यहाँ मोबाइल लेके बैठे हुए थे। अभी उठी हूँ तो दोनों गायब है, तो पारिक जी को भी उठाती हूँ और हम थोड़ा सा बीच जा के आते हैं। पारिक जी, ओ पारिक जी, हेलो, सोने आए हो? नहीं। तो उठो, चलो बीच चलेंगे, उठो। जाए, मैं सो जाऊं? नहीं नहीं, उठो उठो उठो, सोने थोड़ी ना आए हो, चलो उठो। अभी बज रही है शाम के 5:30, लेकिन यहाँ पर धूप जो है ना, देखिए लग ही नहीं रहा कि ये 5:30 है। आपको सूर्य देवता के भी दर्शन कराते हैं, यहाँ से हो जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ विंडो से, बालकनी से। दोनों मेरे बेटे कहाँ है पता नहीं, कुछ अता पता नहीं है दोनों का। तांश ने कॉस्ट्यूम सुखाई और वो नीचे गिर गई है, वहाँ वो निकलवानी होगी। इन लोगों को यहाँ भी पार्टनर कोई मिल ही गया है, ये जहाँ जाते ना कोई ना कोई इन लोगों को ज़रूर मिल जाता है फ्रेंडशिप करने के लिए। कोता थे कृष्ण बाबू? हाँ,
ভাঙ্গড়? ভাঙ্গড় কোথায়? আচ্ছা, দক্ষিণ চক 24 পরগনা। ও, আজকে এসেছো? কাল ফিরে। আচ্ছা, কতদিন থাকবে? হ্যাঁ, অনেকদিন থাকবে। ওরে বাবারে, কত কত। চলো আজ, চলো চলো, বীজ পিছে লেঙ্গে। এই বাচ্চা লোক আও। अब हम जा रहे हैं बीच पे, हवा चल रही है इतनी मस्त, ठंडी ठंडी, और मौसम भी बहुत अच्छा होके रखा है। गिलन देख, गणेश जी महाराज जय हो। हम आ गए हैं फाइनली शंकरपुर बीच पे। ये बीच जो है ना, पहले वन ऑफ द बेस्ट बीच था ऑफ वेस्ट बंगाल, नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल थी। बट अब ये फुटफॉल यहाँ पर बहुत ही कम हो गई है। इसका रीज़न ये है कि मई 2020 में जब अम्फान आया था ना, साइक्लोन, उस टाइम पे यहाँ की जो बीच है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, बिल्कुल टूट गया है तब से ये बीच, और नहाने के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चले आगे। शंकरपुर का जो बीच है वो नेचुरल बीच नहीं है, यहाँ पर रॉक और इस तरह की बड़ी बड़ी सीमेंटेड स्लैब से बनाया हुआ है, ये मैनमेड बीच है। छोटा छोटा सामूक है, छोटा छोटा सामूक है, सेल सेल वही तो बोल रही है, कीड़े ही तो है ये, सेल्स है। तो भरा हुआ है, तो ये देखो उन पत्थर के ऊपर लगे हुए। कितना स्लिपरी सा बीच है देखो। अगर पानी यहाँ आएगा
देखो इसको कोई मतलब नहीं है, सैंडी बीच हो मडी बीच हो, इसको मजे लेना है तो मजे लेना है बस। धक्का देके चढ़ो। देखो मेरे को, देखो बॉडी को, चेस्ट को सामने में भी जाओ ना, पर नीचे हो जाएगा। देखते हैं अब फिर मैं जी को पीनी थी लेमन टी, और उनको लेमन टी मिली नहीं है, इसलिए यहाँ लोकल मार्केट में लेमन टी पीने के लिए हम आए हैं। ये पारिक जी लेमन टी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ले आए। ये यहाँ की लोकल शॉप है, बहुत गर्म है ना। ये अच्छी है, फूंक दो इसे, हम लोग तो हाजमोला डाल देते हैं। हाजमोला की गोली है ना, वो मिला तो बहुत मजेदार लगती है। छोड़ दो। अरे इतना तेज चला रहे हो, गिर जाओगे, गिर जाओगे। अरे भाई, गिर जाओगे, गिर जाओगे, रोको। अरे वो बच्चे को डर लग रहा है। तो अभी रात के बजे हैं 7 और मैं लाला को लगा रही हूँ भोग बिस्किट का, क्योंकि सारा जो रेस्टोरेंट में है ना, उन्होंने बताया कि सारा प्याज लहसुन का है, तो हम लाला को सिर्फ बिस्किट का ही और चॉकलेट का भोग लगाएंगे आज। और बस उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तब ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास झट से आ जाए। बाय बाय।